बिलासपुर जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने अपने दौरे के दूसरे दिन सीएमओ कार्यालय के समीप बनने वाले नर्सिंग स्कूल भवन की जमीन का निरीक्षण किया। बता दें, नर्सिंग स्कूल भवन निर्माण के लिए 12 मई 2016 में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आधारशिला रखी थी, मगर 7 साल बीत जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जिसमें अभी तक 3 करोड़ आ चुके हैं। जल्द ही इस स्कूल के भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। साहब के लोगों को भी बुलाते हैं, क्योंकि उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला और विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर का अभी तक का वैसा बड़ा भारी अवार्ड है। जैसे हमारे महावीर चक्र, परमवीर चक्र बोलते हैं ना, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र सबसे महान है। वहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस सबसे बड़ा अवार्ड है। तो वो इस क्षेत्र के बेचारे भंडाराम तो आप वीर है, पर उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं अपना। इसी प्रकार से नाइटिंगेल का नाम अभी तक भी बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको पासपोर्ट में जिससे साइन भी इन्होंने करा लिए थे और आपको मिल मिल गया, तो ये जल्दी बनेगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि निर्माण कार्यों में कभी भी ये पार्टी वगैरह का, मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं जाता हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है। चाहे सरकार किसी की हो, निर्माण कार्य चलते रहना चाहिए।